अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन वरुण कपूर धार में वार्षिक निरीक्षण करने आए थे। कपूर ने बताया कि एसपी कार्यालय पुलिस लाइन नौगांव थाने के नए भवन का निरीक्षण किया गया। संपूर्ण निरीक्षण के बाद पुलिस विभाग के कार्यों से संतुष्ट नजर आए। एडीजीपी ने धार पुलिस की तारीफ की। निरीक्षण के बाद एडीजीपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अपराध कोई सा भी हो उसे जागरूकता से ही रोका जा सकता है। यातायात नियंत्रण की बात हो या अपराधों पर नियंत्रण की, यह तभी संभव है जब समाज में जागरूकता आए। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। समाज में नशीली दवाओं के बढ़ते व्यापार पर चिंता प्रकट करते हुए श्री कपूर ने कहा कि हमने काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया है तथा और भी नए प्लान बनाए जा रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। धार में आया हूँ, अपने वार्षिक निरीक्षण है धार जिले का। तो इसमें SP ऑफिस का निरीक्षण कल किया गया, थाना कोतवाली का निरीक्षण हुआ और उसके साथ साथ जो नया थाना बन रहा है नौगांव उसका स्थल का निरीक्षण, आज सुबह लाइन जो है DRP लाइन का निरीक्षण हुआ, कुछ जिम बना है और एक सुपर मार्केट बना है उसका विधिवत शुभारम्भ किया गया। उस हेतु ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि जिले के बारे में चर्चा हो, आपसे भी सुझाव लिए जाए और जो स्थिति है उसके बारे में भी बताया जाए। जो निरीक्षण में निकला है अभी तक वो ये है कि अपराधों में नियंत्रण अच्छा है, जो अपराध घटित हुए हैं उनको भी त्वरित गति से सुलझाया है, कुछ पेंडिंग अभी भी हैं उनको भी सुलझाया जाएगा जल्द से जल्द, ये निर्देश दिए गए हैं। बाकी जो काम है SP ऑफिस का थानों में रिकॉर्ड सुदृढ़करण का और थानों की साफ़ सफाई का, जो अतिरिक्त उधर माल पड़ा था उसको निराकरण का, जो वाहन पड़े थे निराकरण के लिए रिकॉर्ड को बेटर करने के, ये सब काम अच्छे चल रहे हैं और ये हमारे पूरे जोन के लिए भी उदाहरण है। और जो यहाँ पे कार्य किए गए हैं थाने की साफ सफाई और रिकॉर्ड की सुधार में, वो हमने पूरे जोन में भी लागू किए हैं। बल की मात्रा अभी वो भर्ती होगी, अभी कुछ पद रिक्त हैं, उसके लिए भर्ती पुलिस मुख्यालय स्तर से शीघ्र होने वाली है, तो ये जो रिक्त स्थान है वो भी पूर्ति हो जाएगा ऐसा मेरा अनुमान है। मादक पदार्थ के रोकथाम के लिए हम एक योजना लेके आए हैं, शीघ्र उसको लागू हो गई, जिसमें स्कूल में कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों से संपर्क होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और उनको जागरूक किया जाएगा कि इस लत से, इस आदत से बचें, क्योंकि यही सबसे बड़ा तरीका है जिससे इस अवैध व्यापार में डेंट लग सके। एक होता है डिमांड रिडक्शन, एक है सप्लाई रिडक्शन। तो सप्लाई रिडक्शन मतलब आपको पकड़ना है मादक पदार्थ, वो तो कार्रवाई जारी है, पर एक होता है डिमांड रिडक्शन, वो आती जागरूकता से। तो उसमें हम जरूर प्रयास करेंगे कि बच्चों को ये संदेश पहुंचे कि ड्रग्स की तरफ नहीं जाना, इसमें ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये संदेश हम जब अच्छे से पहुंचा पाएंगे तो आई थिंक जब डिमांड ही कम होगा तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम होगा। हर क्षेत्र में जागरूकता, जैसे मैंने बोला साइबर के लिए अलग जागरूकता होती है कि आपके पास जो उपकरण है उसको कैसे यूज़ करें, ठीक से कैसे करें, कितना करें, कब करें, तो एक वो साइबर क्राइम की जागरूकता, साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता अलग है, ड्रग्स की अलग है, ट्रैफिक की अलग है, कि मेरे मन से अगर जो नागरिक हैं वो स्वेच्छा से पालन करने लग जाएं ट्रैफिक के नियमों का जो सबको मालूम है, तो बहुत सुधार तो वैसे ही आ जाएगा। मतलब कोई आपको पुलिस बल की बहुत कम आवश्यकता होगी कि लोगों को बताएं, अगर खुद ही कर रहे हैं आप तो फिर आप ये सोच सकते हो सारे लोग जो धार में गाड़ी लेके निकले आज वो सब बोलें कि हम तो पालन करेंगे स्वेच्छा से, तो कितना सुधार होगा, बहुत फर्क पड़ता है। यस, मैंने पहले ही बोला कि जागरूकता ही आधार है हर प्रकार की सुरक्षा का, मेरा ऐसा मानना है। और ये एक उदाहरण जैसे आपने जो बोला ये किया जा रहा है झाबुआ में, अगर आप झाबुआ में जाके देखें तो वहाँ महिला अपराध, हर श्रेणी के महिला अपराध में कमी आ रही है, चाहे वो 354 हो, चाहे वो 376 हो, चाहे वो 363 हो। 363 मतलब अपहरण, जब बच्चियां चली जाती हैं या ले जाई जाती हैं घर से, तो वो हर जिले में जोन में बढ़ रहे हैं, पर झाबुआ में कम हो रहे हैं, क्योंकि झाबुआ में जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने योजना बना के ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से और अन्य चलित वो मोबाइल चलाते हैं महिला अवेयरनेस की, उससे बच्चियों को समझाते हैं, तब फर्क पड़ रहा है और उसमें कमी आ रही है। तो आपकी बात सही है, जागरूकता आधार है अपराध या सुरक्षा का, ये अपराध नियंत्रण और सुरक्षा का ये मेरा मानना है हर क्षेत्र में। पुलिस अवैध शराब का परिवहन हो रहा है उसको रोकथाम के लिए क्या योजना बनी? वो तो निरंतर कार्रवाई है, जो भी सूचना आती है उस पर पकड़ दकड़ होती है, जो भी अवैध शराब ऐसे अगर परिवहन है और सूचना प्राप्त है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है और होती आई है और आगे भी होगी, है ना।